हरिओम फ्रेंड्स, मैं आपका हरिओम निटिंग चैनल में फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको लड्डू गोपाल जी और मैया जी का लहंगा दिखाऊंगी, जिसे मैंने अपने कस्टमर के लिए बनाया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लड्डू गोपाल जी की ड्रेस दिखा देती हूँ। तो ये हमने एक से लेकर दो नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाई हुई है, और इसके साथ का हमने ये मुकुट इस तरह का बनाया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। और एक और ड्रेस दिखा देती हूँ मैं आपको, ये भी हमने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है, और इसका मुकुट ये देखिए इस तरह का बना हुआ है, ठीक है। ये देखिए, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, और पीछे से भी देख सकते हैं, और आप इसे भी देख लीजिए, अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन बनाया है मैंने। अगर आप भी इस तरह की ड्रेस बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए, ये ड्रेस जो है जी एक से दो नंबर के लड्डू गोपाल जी की है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका डायमीटर जो रहेगा 6 इंच रहेगा, देखिए 6 इंच से थोड़ा सा ऊपर ही है, दोनों का ही इस तरह से बना हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। अगर आप डायमीटर बड़ा लेंगे तो उस हिसाब से जो प्राइस है बढ़ जाता है। तो ये जो हमारी जो ड्रेस बनी है, ये 200 की बनी है विद मुकुट। तो ये देखिए, मुकुट भी मैंने छोटा सा ही बनाया है, ठीक है। तो चलिए मैया जी का देख लेते हैं, सेम इसी के साथ का ही बनाया हुआ है। तो ये देखिए, ये मैया जी का लहंगा है, ठीक है। ऊपर से हमने चोली इस तरह की बनाई है, और इसका दुपट्टा ये देखिए, ये देखिए, मैं आपको इसकी फाइनल पूरी फुल लुक दिखाती हूँ। ये इस तरह से बनाया हुआ है, और इसकी लेंथ भी 6 इंच है, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। और दूसरा लहंगा आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये भी ऐसा बना हुआ है, ठीक है, 6 इंच का है ये भी। इसकी चोली भी हमने इस तरह से बनाई है, और पीछे से भी आप देख सकते हैं, मैंने अच्छे शैंटून का ही इसमें यूज़ किया हुआ है। और इसका जो दुपट्टा है, ये इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आप भी इस तरह से अपने मैया जी के लिए और लड्डू गोपाल जी के किसी भी साइज़ के लिए ड्रेस बनवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।